بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dear students, welcome to all of you in the online class of FPI. Dear students, last lecture में हमने discuss किया Newton's inverse square rule. आज हम इस lecture में Newton's third law of motion एंड ग्रेविटेशन डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक जो है आज ये इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 5 है. तो ये जो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है इसके बारे में आपको पता है कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है. तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स एग्जर्ट करता है तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन जिस बॉडी पे फोर्स एग्जर्ट करता है वो बॉडी भी इस बॉडी पे फोर्स एग्जर्ट करता है बट इन अपोजिट डायरेक्शन. तो यहाँ पे इस टॉपिक में हमें यही देखना है कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन के बारे में हमें इस लेक्चर में डिस्कस करना है. और इस लेक्चर में हम ये फ्री फॉल के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे कि फ्री फॉल का मतलब क्या है, वो भी हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे. तो डियर स्टूडेंट्स, पहले हम देखते हैं कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है. अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, If an object exerts a force on another object, then the second object also exerts an equal and opposite force on the first object. इसका मतलब क्या है? एक बॉडी जब दूसरी बॉडी पे फोर्स एग्जर्ट करती है तो वो बॉडी भी, वो ऑब्जेक्ट भी उस बॉडी पे इन टर्न फोर्स एग्जर्ट करती है लेकिन इन अपोजिट डायरेक्शन. तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का और एक स्टेटमेंट ये भी है कि एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. एवरी एक्शन, ठीक, देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. तो ये हमें अब देखना है कि ग्रेविटेशन जो अर्थ ग्रेविटेशन पुल है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है उस पर भी ये लॉ, यानी वहां पर ये एप्लीकेबल है कि नहीं, वो हम अब देखेंगे कि ये उसमें वैलिड है कि नहीं. न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन आल्सो होल्ड्स गुड फॉर द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन. ये जो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये एप्लीकेबल है फॉर द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन पर भी. व्हेन अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट इट गेट्स एक्सेलरेटेड and falls towards the earth. When a stone is dropped from a height, it gets accelerated and falls towards the earth. जब एक स्टोन को हम ड्रॉप करते हैं कुछ हाइट से तो ये ऑब्जेक्ट जो, या ये स्टोन जो हमने ड्रॉप किया वो एक्सेलरेट होते हैं, उसकी स्पीड बढ़ जाती है. And it falls towards the earth. वो जमीन की तरफ आती है. It touches the ground. ठीक, it falls towards the earth. ये जमीन की तरफ ये ऑब्जेक्ट आता है. इसका मतलब है कि अर्थ ने इस ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशन फोर्स एग्जर्ट किया है तभी जाके ये ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ आया. It is due to the gravitational force of attraction exerted by the earth on the stone. तो ये ऑब्जेक्ट जमीन की तरफ आल क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि अर्थ ने इस पे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एग्जर्ट किया इस स्टोन पे. अब हम देखते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ वो इस पे, यानी वो जो स्टोन है क्या वो भी इंटरनल अर्थ पे फोर्स एग्जर्ट करता है कि नहीं. अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ This stone also exerts an equal and opposite force on the earth, but we don't see the earth rising up towards the stone.
जब हमने एक ऑब्जेक्ट को, एक स्टोन को या किसी भी बॉडी को फॉल किया फ्रॉम सम हाइट से, तो यानी ये जमीन की तरफ ये ऑब्जेक्ट आता है। ये ऑब्जेक्ट जमीन की तरफ क्यों आया? इसीलिए क्योंकि अर्थ ने इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट किया है। अब हम देखते हैं कि क्या वो स्टोन भी, क्या वो ऑब्जेक्ट भी, क्या वो बॉडी भी अर्थ पे फोर्स एग्जर्ट करता है कि नहीं। तो न्यूटन कहता है कि वो स्टोन भी अर्थ पे फोर्स इक्वली एग्जर्ट करता है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। लेकिन हम ये नहीं देखते हैं कि ये अर्थ भी यानी ऊपर आ जाती है स्टोन की तरह। जैसे कि ये जो स्टोन है ये जमीन की तरह फॉल होती है, तो क्योंकि अर्थ ने इसमें फोर्स एग्जर्ट किया, क्या जमीन भी राइज होती है, क्या अर्थ भी राइज होती है, क्या वो हम देखते हैं? वी डोंट सी द अर्थ राइजिंग अप टूवर्ड्स द स्टोन। अर्थ जमीन की, उस अर्थ स्टोन की तरफ राइज नहीं होती है। तो रीजन क्या है? वो ये जो रीजन है कि जमीन जब ये स्टोन जब अर्थ की तरफ ये ड्रॉप होती है, जमीन की तरफ फॉल होती है, क्या अर्थ भी ऊपर यानी राइज होती है कि नहीं, इसका रीजन मैथमेटिकली हम देखते हैं। फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। यानी फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स किसके बराबर होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। ये न्यूटन सेकेंड लॉ है। तो अगर हम इसमें देखते हैं कि ये एक्सेलरेशन किसके बराबर आएगा, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाई मास। हमें इसमें एक्सेलरेशन निकालना है, तो इट विल बी इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाई मास, या इसको हम शॉर्ट में ए इक्वल टू एफ डिवाइड बाई एम भी लिख सकते हैं। तो इस इक्वेशन से ये इक्वेशन आपको याद रखनी है अब, कि एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाई मास। क्योंकि जो मास और एक्सेलरेशन है ये आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर है। मास अगर ज्यादा हो तो एक्सेलरेशन कम। क्योंकि अर्थ का मास बहुत है, अर्थ का मास बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू स्टोन, तो वहां पे इसीलिए एक्सेलरेशन ये अर्थ में बहुत कम प्रोड्यूस होता है, और वो हम डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि मास ज्यादा मीन्स एक्सेलरेशन कम। तो स्टोन को हम जमीन की तरफ आते क्यों देखते हैं, जमीन की तरफ ड्रॉप होते क्यों देखते हैं? वो इसीलिए क्योंकि स्टोन का मास बहुत कम होता है, तो उसका एक्सेलरेशन भी ज्यादा होता है। क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, इसीलिए एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इज वेरी वेरी लेस। तो इसीलिए हम जमीन को यानी स्टोन की तरफ राइज नहीं देखते हैं। वी डोंट सी द राइजिंग ऑफ अर्थ टुवर्ड्स द स्टोन। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपको याद रखना है कि ये जो अर्थ है ये राइज इसलिए नहीं होती है क्योंकि इसका मास बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू स्टोन, इसीलिए ये ऊपर नहीं आती है। जैसा कि हमने देखा कि स्टोन जमीन की तरफ आती है आता है, लेकिन अर्थ स्टोन की तरफ नहीं जाती है क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है और इसमें एक्सेलरेशन बहुत कम प्रोड्यूस होता है एज कंपेयर टू स्टोन। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपको याद रखना है। और एक यानी मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ, व्हेन यू कैन नोट दिस ऑन योर नोटबुक, When an object, say a stone, is dropped from a height, it gets accelerated and falls towards the earth. And we say that the stone comes down due to the gravitational force of attraction exerted by the earth. Now, if the stone also exerts an equal and opposite force on the earth, then why don't we see the earth rising up towards the स्टोन? इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको दिया कि ये जो स्टोन है इसका मास बहुत कम है, लेकिन एक्सेलरेशन इसमें ज्यादा प्रोड्यूस होता है, और अर्थ का मास बहुत ज्यादा है इसलिए उसमें एक्सेलरेशन बहुत कम प्रोड्यूस होता है, और हम अर्थ को राइज
आप नहीं, ये नहीं, ये अर्थ को राइज अप नहीं देख सकते हैं, ऊपर इसको हम यानी नहीं देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपको याद रखना है कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है कि फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इक्वल फोर्स डिवाइड बाई मास। तो एक्सेलरेशन कम, मास ज्यादा, मास ज्यादा, एक्सेलरेशन कम। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद जो मैंने ये भी आपको बोला कि फ्री फॉल क्या होता है वो हम इसी में देखते हैं कि फ्री फॉल का मतलब क्या है। फ्री फॉल इट मे बी डिफाइंड एज द फॉलिंग ऑफ ए बॉडी फ्रॉम ए हाइट टुवर्ड्स द अर्थ अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एज द फ्री फॉल एंड द बॉडी इज कॉल्ड एज फ्रीली फॉलिंग बॉडी। जब एक ऑब्जेक्ट फॉल होता है जमीन की तरफ, जिसको हम जिस ऑब्जेक्ट को हम यानी ड्रॉप करते हैं फ्रॉम सम हाइट, तो ये जमीन की तरफ आता है क्योंकि इसमें ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ एग्जर्ट होता है। इस ऑब्जेक्ट को ये यानी अंडर द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ ये फॉल होता है। इस प्रोसेस को फ्रीली फॉलिंग कहते हैं या इसको फ्री फॉल कहते हैं, और इस ऑब्जेक्ट को फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट कहते हैं या फ्रीली फॉलिंग बॉडी कहते हैं। लेकिन वहाँ जो बाकी फोर्सेस हैं वो यानी नेग्लिक्ट ये नेग्लिक्ट हम करते हैं, सिर्फ ग्रेविटेशन फोर्स इसमें हम कंसिडर करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, फ्री फॉल, और उस बॉडी को फ्रीली फॉलिंग बॉडी कहते हैं। तो फ्री फॉल की डेफिनेशन को मैं रिपीट करना चाहता हूँ। इट मे बी डिफाइंड एज द फॉलिंग ऑफ ए बॉडी फ्रॉम ए हाइट टुवर्ड्स द अर्थ अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एज फ्री फॉल एंड द बॉडी इज कॉल्ड एज फ्रीली फॉलिंग बॉडी। डियर स्टूडेंट्स, एंशियंट टाइम्स में ये कंसिडर किया जाता था कि अगर दो बॉडीज को फॉल किया जाए फ्रॉम द सेम हाइट, तो अगर उन बॉडीज का मास डिफरेंट होगा तो जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा पहले वही बॉडी ग्राउंड पे आती है, उसके बाद जिस बॉडी का मास कम होता है वो बॉडी उसके बाद जमीन पर पहुंचती है वो बॉडी। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक क्वाइन लेंगे और एक फैदर लेते हैं, एक क्वाइन और एक फैदर हम लेंगे, इनको हम ड्रॉप करेंगे फ्रॉम द सेम हाइट और एट द सेम टाइम पे, तो पहले क्वाइन ही जमीन को हिट करती है, उसके बाद फैदर जमीन तक यानी जमीन पे आता है। इसका मतलब क्या है कि जिस बॉडी का मास ज्यादा होता है पहले वही ग्राउंड पे आती है, जिस बॉडी का मास कम होता है उसके बाद वो बॉडी जमीन तक पहुंचती है। लेकिन गैलीलियो ने ये प्रूव किया कि एक्सेलरेशन जो है, एक बॉडी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है ड्यू टू द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ, वो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंडेंट नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो उसने क्या किया, उसने दो स्टून्स को, जिन दो स्टून्स लिए लेकिन डिफरेंट मासेस के थे वो, और उनको ड्रॉप किया फ्रॉम द सेम हाइट एंड फ्रॉम द सेम टाइम एंड एट द सेम टाइम, तो वो हिट करते हैं एट द सेम टाइम टू द ग्राउंड। और उसने क्या प्रूव किया फिर, यानी अगर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को हम फॉल करते हैं फ्रॉम द सेम हाइट, वो हिट करते हैं टू द ग्राउंड एट द सेम टाइम, क्योंकि वो ये एक्सेलरेशन जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। लेकिन प्रोवाइडेड एयर रेजिस्टेंस शुड बी नेग्लिक्टेड, वहां पे एयर रेजिस्टेंस खत्म करनी है, वैक्यूम में ये एक्सपेरिमेंट हम करते हैं
कि हम अगर हम एक बड़ा जार लेते हैं, अगर हम एक बड़ा जार लेंगे और उसमें वैक्यूम पंप के जरिए यानी एयर रिमूव करते हैं, उसके बाद अगर हम दो ऑब्जेक्ट्स को यानी अगर उनका मास डिफरेंट भी होगा तो उनको ये ड्रॉप करते हैं, दे विल हिट द ग्राउंड एट द सेम टाइम। ठीक, तो ये एक्सपेरिमेंट रॉबर्ट बॉयल ने भी किया, और ये यानी कि अगर दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को ये फॉल किया जाएगा फ्रॉम द सेम हाइट तो वो ऑब्जेक्ट्स हिट करते हैं टू द ग्राउंड एट द सेम टाइम। लेकिन पहले इसका कॉन्सेप्ट गैलीलियो ने क्लियर किया कि अगर ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ड्यू टू द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ इज इंडिपेंडेंट ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, यानी अगर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हो और उनको फॉल किया जाएगा फ्रॉम द सेम हाइट और वो हिट करते हैं टू द ग्राउंड, वो दे विल रीच टू द ग्राउंड एट द सेम टाइम प्रोवाइडेड एयर रेजिस्टेंस शुड बी नेग्लिक्टेड। ठीक, वहाँ एयर रेजिस्टेंस खत्म करनी है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो क्वाइन है, क्वाइन पहले जमीन पे क्यों आती है, उसके बाद ये फैदर। तो इसका रीजन ये है कि जो फैदर है उसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है क्वाइन एज कम्पेयर टू क्वाइन, क्वाइन का साइज स्मॉल होता है, उसका जो सरफेस एरिया होता है वो भी कम होता है, और जो फैदर होता है उसका साइज ज्यादा और उसका सरफेस एरिया ज्यादा। तो सरफेस एरिया ज्यादा एंड इट विल एक्सपीरियंस मोर एयर रेजिस्टेंस, तो जो जब सरफेस एरिया कम द ऑब्जेक्ट विल एक्सपीरियंस स्मॉल एयर रेजिस्टेंस, लेस एयर रेजिस्टेंस। तो जिसकी वजह से पहले सुतून ही पहले ये क्वाइन ही जमीन पे जमीन तक पहुंचता है, उसके बाद फैदर। तो अगर एयर रेजिस्टेंस खत्म किया जाए यानी वैक्यूम क्रिएट किया जाए तो वहां पे दोनों ऑब्जेक्ट्स दे विल रीच टू द ग्राउंड एट द सेम टाइम। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने ये कंप्लीट किया फ्री फॉल के बारे में और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो क्या होती है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।